नमस्कार दोस्तों, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट पीएचडी प्रवेश परीक्षा का ये सिलेबस है सब्जेक्ट जूलॉजी का। और आइए देखते हैं डिटेल इसमें। एज पर क्लॉज 9A ऑफ न्यू ऑर्डिनेंस नंबर 11 डॉक्टरल इंट्रेंस टेस्ट DET सिलेबस 2022-23 रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान क्रियाविधि या अनुसंधान प्रविधि। पेपर जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होगा। और इसमें सिलेबस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स कैरीज 100 मार्क्स ओनली। पार्ट ए रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 मार्क्स, पार्ट बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट 50 मार्क्स। सिलेबस विल बी इक्वली डिवाइडेड अमोंग ऑल 5 यूनिट्स। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन शैल बी आस्ड 10 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ पार्ट ए एंड बी। यही है, 2 भागों में विभाजित पाठ्यक्रम केवल 100 अंकों का होगा। भाग एक अनुसंधान पद्धति से जो है 50 अंक का रहेगा। भाग बी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित 50 अंक। और पाठ्यक्रम को सभी 5 इकाइयों में समान रूप से विभाजित किया गया है और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। भाग ए और बी की प्रत्येक इकाई से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जित एक 2 भाग हैं, दोनों भाग में 5 यूनिट हैं और हर यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं तो डिटेल है। पहला पार्ट ए यानी भाग एक रिसर्च मेथोडोलॉजी अनुसंधान क्रियाविधि, इससे 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 50 प्रश्न रहेंगे। और इसमें पहला है यूनिट फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड और उससे रिलेटेड टॉपिक्स है। देन यूनिट सेकंड है रिसर्च एबिलिटी और यूनिट थर्ड है डेटा इंटरप्रिटेशन और फोर्थ यूनिट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फिफ्थ यूनिट है रिसर्च रिपोर्ट। तो ये सभी टॉपिक्स और पॉइंट्स को अच्छे से आपको तैयार करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बनेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। और नेक्स्ट रहेगा आपका सिलेबस पार्ट सब्जेक्ट जूलॉजी का है, तो ये पार्ट बी में है और इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें यूनिट फर्स्ट है स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड कॉम्परेटिव एनाटॉमी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ओरिजिन ऑफ मेटाजोअन, ओरिजिन ऑफ सिलोम एंड अदर, बाकी आप पॉइंट सब देख सकते हैं, इन पॉइंट को आपको तैयार करने हैं। एंड नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा एंड नाउ द यूनिट सेकेंड सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी जेनेटिक्स जनरल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देन उसमें बायोमेम्ब्रेन एंड केमिकल फंक्शन ऑफ बायोलॉजी कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ गोनाड्स इन मैमल्स एंड इनवर्टिब्रेट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो फिला एंड मैमल्स रेस्पिरेशन एंड नाउ यूनिट थर्ड
लिमिनोलॉजी, एक्वाकल्चर, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड पोल्यूशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। लिमिनोलॉजी डिफिनेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट स्कोप एंड देन एक्वाकल्चर, हिस्ट्री डिफिनेशन स्कोप इम्पोर्टेंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी विद एम्फेसिस ऑन देयर इकोसिस्टम्स। एंड नाउ यूनिट फोर्थ, इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मेजर ट्रेंड्स इन ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन, देन इंट्रोडक्शन इथोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। Then unit fifth, tools and techniques in biology, microscopy, principle and applications, and computer aided techniques for data presentation, data analysis, radioisotope and main isotope techniques in biology, histological techniques, cytological techniques. So these are the points for geology, and please prepare all these topics with the help of your reference book if you have. If not, then with the help of internet, you can find out all these topics and prepare it for your examination. That's it. बस इतना ही है. तो आप इन सभी points को अच्छे से तैयार करें, इससे related questions बनेंगे. बस इतना ही है. मिलते हैं अगले video में. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.